मुकदमा अभी चला नहीं। दो मुलजिम बाकायदा प्रोक्लेम डिफेंडर उर्फ बगोड़े हैं, तीसरे मुलजिम टाल रहे हैं, चौथे मुलजिम डेली डाली वाले हैं। वो कहते हैं जी इंसाफ नहीं हुआ हमारे साथ। जब मुकदमा चलेगा ना इंसाफी हुई तो आप हैं बयान करेंगे क्या ना इंसाफी हुई। ये इसका कर, ये माचिस की डब्बी जो है ना इसकी, इसकी अब तीलियाँ खत्म हो गई, इस हैवान की माचिस की डब्बी अब खाली हो गई, अब ये भागा फिर रहा है। असल में नून लीग मुस्तकम है, असल में इंतजार पड़ा हुआ है पीटीआई में, वो छुपाने के लिए ये सारे जलसे हो रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ हर जुर्म ही लग गई है और उसको ECL पे भी नहीं डाला, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे भी नहीं डाला। वो जब मर्जी कर जाए, जब चाहे वो लंदन चला जाए, जब चाहे आ जाए। ये शहजाद खान जो है इनके साथ बड़ा नरम सलूक रखा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू DNA। सईद काजी और गुलाम साहब हाजिर हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब। जी हजूर, अभी चौधरी साहब हम देख ही रहे हैं कि लंदन बैठक की बाजगश सुनाई दे रही है, नई नई खबरें सामने आ रही हैं। ये तो चौधरी साहब बताएंगे कि इस मीटिंग का आगाज किस फिक्रे से हुआ था, बड़ा दिलचस्प, मगर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें, क्या सलमान शहबाज साहब का रोल बन रहा है और जो लड़ाई है हमजा शहबाज साहब की मुबैना तौर पर मरियम नवाज साहब से, वो क्या गुल खिला रही है और क्या इख्तलाफात हैं मुबैना तौर पर जनाब वजीर आजम साहब के शहबाज शरीफ साहब से और हमजा शहबाज से, और हमजा शहबाज से क्या नाराजगी है 30 हमारे जो वुजरा और MNAs हैं, क्या खिचड़ी पक रही है और फिर क्या ये लीडर हमारे इन्हीं में से निकलेंगे, इस पे हम बात करेंगे। और फिर कराची में कोई ऐसी जगह है जहां सियासत में दाल जूतियों में ना बट रही हो, कब्जे की सियासत, 10-10, 12-12 गाड़ियों पर जाते हुए मुलजमान और लीडरान के काफले, वहां भी यही लड़ाई है, काले धन का रोना रो रहे हैं और जो बोरा साहब कहां जा रहे हैं, MQM किधर जाएगी, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ लोगों आवाम का जो हशर है वो आपके सामने है। कल आपने देखा एक कत्ल की वारदात में 13-14-15 बंदे मर गए, तो पता चला कि 100 मील तक अस्पताल ही कोई नहीं है। जब अस्पतालों तक पहुंचे तो वहां कोई फैसिलिटी नहीं थी, मैंने सोचा वहां पे कोई मेट्रो ही बना दे, अस्पताल नहीं बनाते, तो इस पे बात करेंगे। फिर पंजाब में एक और मंसूबा माशाल्लाह आया है जो मोटर बाइक्स का मंसूबा है, सुना है वो सारे फॉल्टी है, वो काम ही नहीं कर रहे, जो चीज है फौरन इंपोर्ट कर लो, ठेका ठेका ठेका, यह कहानी है इसका, यह हमारे पैसों। अभी कल रोना रो रहे थे हम, 150 अरब रुपए का जो केस अब हाईकोर्ट में चला गया है, उस पर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान में क्या हालत है इस गजाई किल्लत की, आधी आबादी बच्चों की, एक नकारा और बीमार लागर और मजदूर बच्चों को हम परवरिश कर रहे हैं, ये हालात है हमारे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तरक्की का सफर, तरक्की का सफर हुआ क्या, आधे से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई है, रो रहे हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग, कह रहे हैं अब तो हमें CPEC से भी डर लगता है, तकरीबन 40% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, 350 बड़े जो स्पिनिंग यूनिट्स हैं उनमें से 150 बंद हो चुके हैं, मगर तरक्की हो रही है, यकीनन हो रही है, काले धन में तरक्की हो रही है, रकम बाहर जो जा रही है वो कहां, इनका इन पे सब पे बात करेंगे। मगर पहले जरा चौधरी साहब की तरफ चलते हैं और हमें बताएं कि क्या हुआ। जी जी, मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक नाहल वजीर आजम ने एक मशावरती अजलास तलब किया अपने वो जो दफातर हैं उनके साहबजादगान के, और जो वहाँ अरबों रुपए की जो इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं उनकी नुमाइश करने के लिए लंदन में अजलास किया गया। जब आप आ रहे हैं पाकिस्तान 2 नवंबर को, तो इतनी क्या एमरजेंसी थी कि इनको बस्ते उठा के ये पागलों की तरह भागते फिर रहे हैं लोग इधर से उधर, उधर से इधर। एनी वे, बहरहाल सबसे अहम बात जो है जो किसी के इलम में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह अपनी रवायात पर काम होते हुए हम ये कर बता रहे हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब मीटिंग शुरू की तो जिसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब उनके के या नवाज शरीफ साहब जो है पहुंचे हुए वहाँ पे, और ख्वाजा आसिफ वज़ीर ख़ारजा वो, और उनके हसन और हुसैन साहब ये लोग वहाँ मौजूद थे। तो मियाँ साहब ने आओ देखा ना ताओ औंदिया सट पेंदे ही सट्टे, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा जो लोग पैगाम लेके आए हैं वो पिछली पैरी वापस चले जान, जेड़े लोग पैगाम लेके आए थे मैं दोबारा कहा, उन्होंने पंजाबी जे क्या जेड़े मैं कोट कर रहा, नवाज शरीफ ने क्या जेड़े पैगाम लेके आए ने इनवर्टेड कॉमा च ओ पिछली पैरी पिछले दबे पाँव वापस चले जाए, वो दे आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर, नो बडी इज हेयर टू रिसीव देयर मैसेजेस, किसी इस्टेब्लिशमेंट का किसी का कोई मैसेज जो है जिसमें सुलह सफाई का, फौज के खिलाफ जंग बंद करने का, अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने का बंद करने का मैसेज है, मैंने वो नहीं सुना, वो पिछले पैरी वापस जा, दे शुड
विड्रॉ फ्रॉम दिस मीटिंग, गो बैक। ये बताएं कि ये वो बात है जो उनको बताई गई, मरियम साहबा ने लाहौर से फीड की थी, हमारे पास मुसद्दका जराए है कि ये जो आपके पास वफद आपने बुलाया है वजीर आजम वजीर आला दूसरों का, ये आपके पास ये बात कर रहा है। अब एक खबर और आ रही है कि ना हमजा शहबाज साहब ना मरियम साहिबा होंगे सलमान शहबाज साहब, और खासी तलखी हुई है मुबैना तौर पर वहां पर, और यहां तक भी उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। और जो जो चीफ वो जरा तफसील बताएं, मैं अभी और बताएंगे। एक तो ये बात, दूसरी बात ये सामने लाई है मुबैना तौर पर, उन्होंने कहना है कि हमजा शहबाज साहब जो है मुदाखलत कर रहे हैं, 30-30 वजरा और MNAs ने ये एक किस्म की शिकायत की है कि जनाब उनके जो MPAs हैं, MPAs उनसे बात नहीं करते, उनसे मिलते नहीं हैं, और खुलेआम कहते फिरते हैं कि अगला इलेक्शन हम लड़ेंगे, ये जो MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, गोया ये तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब एंड कंपनी जैसे आप समझते हैं। और इवन जो वजीर दाखिला हैं उनका नाम भी इस हवाले से शिकायत थी लोगों में मुबैना तौर पर, जो शिकायत कर रहे हैं उनमें आ रहा है। फिर यह भी हुआ कि फवाद हसन फवाद साहब ने एक रिपोर्ट भी किसी एजेंसी की दी है कि हमजा शहबाज साहब 200 हल्कों में उनका इन्फ्लुएंस है, बकौल उनके जो लोग उनके साथ हैं, मगर ये फैसला हुआ। और फिर आप बता रहे थे हमजा शहबाज जो है ये रुस्तम, लेकिन सवाल मेरा आपसे नहीं, नहीं मैं आपसे पूछता हूँ कि रुस्तम सराब है, नहीं रुस्तम सराब है जो भी है, नहीं, यार नहीं, मुझे एक बात, ये नहीं मुझे ओ भाई, और ये काले धन वालों से ये हमारे लीडर निकलने हैं, और जिनके बारे में अदालतें कह चुकी हैं इनके पैसे 2 नंबर हैं, और फिर इन्हीं के लोग आएंगे हमारे ऊपर, इन्हीं के बच्चे हमारे ऊपर सवारी करेंगे, इन्हीं में से हमारे लीडर निकलेंगे, इन्हीं में से हमारे लीडर निकलेंगे चौधरी साहब, ये तो शर्मनाक बात है। आई एम सॉरी टू से, बात सुन ले, बताएं, बात इनकी ये है कि इनका किस्सा गया है खत्म। मैंने एक दफा नहीं, पिछले 15 दिन में 300 दफा कहा है, अब तो आपको हर तरफ से आवाजें आ रही है। ओ उधर हाजिरी दे रहे हैं आपके पास, कौन प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या कह रहे हैं, ये देखें, ये जी हमारे खानकाह अब्बासी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या फरमा रहे हैं, जी सुनाए जी। जो 28 जुलाई को वो रेसिडेंटेड है कानूनी तारीख में, पहली अगस्त कोई को जो हुआ वो भी वो ये सही बात, पहली अगस्त को 28, मैं कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूँ, कोई उसकी लीगल प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट सेट कर सकता है उसका, हाँ हो गया ना, प्रेसिडेंट्स वो होते हैं जो काबिले तकलीद हो, ठीक है, प्रेसिडेंट वो सेट नहीं किए जाए जो काबिले तकलीद ना, तो आप कह रहे हैं कि गलत प्रेसिडेंट सेट किए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा अब बड़े काबिल तकलीद प्रेसिडेंट क्या है, वो हमर्ज कर देते हैं कि आपकी नौकरी, आप यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी हो, आपकी उधर कंपनी भी हो, आप उधर मुलाजमत कर रहे हो, आप इधर के वजीर खारजा हो, और 15 हजार कहने चल रहा हूं, ये क्या है, मैं आपने सिर्फ उनको तफसील बताए कि उन्होंने शिकायतें की। अच्छा ने कहा कि इन हालात में मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, शिकायतें कर दूं, वजीर आजम ने कहा कि भाई मेरे यानी जब MPAs MNAs मेरे कहने पर नहीं मुलाकात करने के लिए आते तो मैं किस मर्ज की दुआ हूँ। तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा, इन्होंने कहा मैं इस्तीफा देता हूँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप अभी ठहरे। अच्छा अब आप कहते हैं उन्होंने बड़ी शिकायतें की हैं, तो मैं आपको सुनाता हूँ उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है MPs और MNAs, जी सुनाए जी। गुजारे अगर किसी को पार्टी की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ है वो उस इख्तलाफ को उठाए, पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में उठाए, मेरे साथ उठाए, किसी और फोरम पर उठाए, और अगर इख्तलाफ इतना शदीद है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो रिजाइन कर दें, इलेक्शन लड़ लें, दो टोक बातें करें ना प्राइम साहब, अगले इलेक्शन का इंतजार कर लें, किसी और जमात का टिकट लेकर उसमें हिस्सा ले लें, हिस्सा ले लें। जी अब ये दे देगा ना, ये क्या यार, ये कुछ और कह रहे हैं, वो उसकी तरफ बाद में आएंगे, ये बातें कर रहे हैं अपनी इंट्रा पार्टी, शहबाज शरीफ ये अपने पार्टी के बारे में कह रहे हैं ना, जिन्होंने जाना जाए, नहीं वो जो इंटरव्यू वाली बात है वो दूसरी बात है, मैं उस पर आता हूँ। ओ भाई वो उसकी बात सुन लेना, कितने दिन से तो मैं ये राग लाप रहा हूँ ना, बिल आखिर वो वक्त आ गया है, आज अक्टूबर खत्म हो रहा है ना, हाँ 2 दिन रह गए हैं, और 2 नवंबर को आपकी जो एक प्रेडिक्शन है, नहीं 2 प्रेडिक्शन नहीं है भाई, इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है 2 नवंबर तक आपके सामने आ जाएगा 60 कौमी असम्बली के अरकान, 50 और 60 इनके 187 मेंबर है, 181 इनफैक्ट, उसमें 25-30 मुझे तो सारे तजब्जुब में लगते हैं, नहीं मुझे कोई नहीं लगता भाई, आप परसों जब आप प्रोग्राम करने आएंगे ना, नहीं परसों जब आप प्रोग्राम करने आएंगे ना काजी साहब, फिर आप ये मानेंगे देख लेंगे कि मैंने किस दिन क्या कहा था, क्या है 2 तारीख है ना, हाँ जी तो परसों हमारा प्रोग्राम होगा जो, और उनको राइट है, वो कहते हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ, जजों के खिलाफ, किसी पॉलिसी का, किसी नारेबाजी का, किसी है तो बड़े पसंद, मैंने पता है बहुत बहुत बहुत, बहुत बासूल लोग हैं भाई, मान गया आपकी बात नहीं, और वो उन्होंने कर लिया, उनकी परसों शाम आपकी सामने आ जाएगा,
آج تک ان میں اس میں کتنی اتنی ہمت نہیں تھی کہ یار سامنے آ گئی چوریاں ڈکیتیاں سامنے آ گئیں, کوئی بندہ کہتا ہوئے میں کس نو لیڈر بنا کے بیٹھے ہیں, نہیں یار میں نہیں ان کے پیچھے کھڑا ہوتا, کوئی نہیں جب دیکھا حالات وہی کر رہے ہیں بھاگ جائیں گے. انہوں نے اعلان جہاد کیا, آپ نے تو نہیں یار اعلان جہاد تھا یہ بھی بڑا کنڈیوسیو چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی کل دو ٹوک فاصلہ دکھا دیا ہے. لوگ سیاسی مبصرین اور اینلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان ایک نیم نیک نام دیازدار سیاستدان ہے, ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے اب لیڈرشپ نہیں بتا رہے آپ اسحاق ڈار صاحب کا, وہ چھ ہفتے کی چھٹی پہ چلے گئے, لیڈرشپ کا رول ادا کریں. اس طرح صرف بیانوں سے کام نہیں چلے گا, ان کو یہ 60 ممبروں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی قیادت کریں یا ان کا ساتھ دیں, گھر بیٹھے ان کو کسی نے کچھ نہیں دینا, وہ اس طرح نہ کریں. بہرحال میں نے یہ آپ کو ڈار صاحب کی کیا کہا, ڈار صاحب یہاں سے جناب وہ چھٹیاں لے کے چلے گئے, اب ان کی پوزیشن پتا کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں مریض. اچھا ایک کلپ سن لیتے ہیں ان کے ڈار صاحب کا, تو پھر بڑا مزے کا بتایا جا رہا ہے, تو سنائیں جی کیا ہے اس میں. ڈیپارٹمنٹس پہ پرائم منسٹر کے پیچھے باز صاحب کے کہ مائنس فارمولا ہمیں قبول نہیں ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے مالک صاحب؟ پہلے تو آپ نے اچھی چائے پلائی ہے تو میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں. اچھا گڈ, ابھی تازہ لندن کی بریکنگ نیوز. ہاں ڈار صاحب وہاں تھے, یہ غلط چلا, ڈار صاحب میٹنگ میں نہیں تھے, ان کو نہیں میٹنگ کے اندر لفٹ نہیں کرائی گئی جو بڑوں کی میٹنگ ہوئی ہے. لیکن ڈار صاحب کو پرائم منسٹر باسی نے ایک بار پھر کہا کہ آپ ریزائن کریں, انہوں نے کہا میں ریزائن نہیں کروں گا, انہوں نے کہا میں 6 ہفتے کی چھٹی پہ آ گیا ہوں لندن. اچھا, اور میں یہی سے میں اٹھ کے منسٹری آف فائنانس چلاؤں گا, اور اطلاع یہ ہے کہ ابھی فائنانس منسٹر کا رول باسی صاحب خود لیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو فائر کیوں نہیں کرتے, مطلب کہ بے شرمی کی انتہا ہوگی جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں. آئی ایم سوری فار دا ٹرم, لیکن مجھے اور کوئی لفظ آ نہیں رہا. نہیں دیکھیں, ایک تو یہ زیادتی کر رہے ہیں نا, میرے دوست ہیں محمد مالک صاحب, ایک تو زیادتی کر, ابھی بھائی صرف 40% انڈسٹری بند ہوئی ہے, 60% تو بند کر کے جانا انہوں نے. نہیں مجھے بتائیں نا, ابھی قرضہ صرف جو ہے وہ 83 بلین ڈالر کا ہوا ہے, 100-150 بلین یہ ترقی کا سفر ہے, ترقی ہے. وہ کہتے ہیں میں مریض ہوں, عدالت کہتی ہے مفرور ہے, اور حکومت کہتی ہے وہ منسٹر ہے. نہیں ایک بات بتائیں, خاقان عباس صاحب کے حوالے سے ایک اور بات آ رہی تھی, ان کے بزنس پارٹنر ہیں ایئر بلو میں جہانگیر علی صاحب جو ہیں, وہ مشیر تو بن گئے, علی صدیقی صاحب تو نہیں آ رہے منسٹر. اچھا ہے نا بھائی, ذاتی کاروبار بھی دیکھ لیں گے, کون سا کاروبار بھی دیکھ لیں گے. میں کہہ رہا ہوں یہ شاہد خاقان, نواز شریف, شہباز شریف, ان کے لنگے جتنے بھی ہیں پیرافرنیلیا, دے آر وینیشنگ فرام دی سین. آپ کو مجھے اور چکروں میں جائیں گے تو میں دیکھوں گا, جا رہے ہیں شرط لگاؤ. شرط میں کیا لگاؤں چوئی صاحب, شرط تو یہ کیا, نو کانفیڈنس آ رہی ہے, نو ٹرسٹ آ رہی ہے. یار مارشل لا لگنا نہیں, 2 نومبر کو آپ کو دودھ پانی دا پانی چلیں, اور کرنا جو لوگ کہتے تھے ہم پاکستان کے لیے, ہم انڈیا کے ایجنٹوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, معاف کرنا. اچھا اور یہ بھی سن لے, 4 سال کہتے جی یہ وہ ماڈل ٹاؤن کا کیا ہوا, وہ سن لے. اچھا ماڈل ٹاؤن کے 14 قاتلوں کو پکڑا جائے گا, 14 افراد کے قتل کرنے والوں کو, 100 بندوں کو گولیاں مروانے والوں کو, یہ جو بہ ٹینٹے کرتے ہیں مخالفوں کا آگے گالیاں بکی جا رہی ہیں ٹیلی ویژنوں پر, اور دیکھا نہیں ایک نے, اور آج وہ ایک آپ کے دوست کے بیٹے نے کیا لفظ کی, ایک سیاستدان, ایک جس کے پاس اتنی پاپولیرٹی ہے کہ پاکستان میں دیکھی نہیں کسی نے, اس کے لفظ اس نے استعمال کیا حیوان. یار کیا حالات ہو گئے اس ملک کے جی, یہ ڈنگرالیاں گلا کر کے کنوں خوش ہیں صاحب. حالات تو بڑے خراب ہیں, اور میں مجھے یہ لگتا ہے, اور جب ہم یہ اس کا بال میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے 3 چیزیں میں بار بار کہہ رہا ہوں, 50 سے 60 ممبر کھل کے سامنے آ چکے ہیں, 2 نومبر کو آپ کو نظر آ جائے گا. نمبر 3, چوہی نثار علی خان پیچھے نہیں رہیں گے اور وہ قیادت کریں گے کسی نہ کسی شکل میں. نمبر 4, مائل ٹاؤن سانیا جو ہے 14 کا دیکھ لینا, پھر پریس کانفرنس ہم جو ہیں وہ پوسٹپون نہ ہو جائیں, ملتوی ہو جاتی ہیں, کچھ نہیں ہونا. 3rd-4th بات میں نے کہی, ماڈل ٹاؤن کا جو ہے ان کو قاتلوں کے گلے میں رسا پڑنے والا ہے, ہائی کورٹ میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے, وکیلوں کے آرگومنٹس ختم ہونے والے ہیں, اور وہ رپورٹ جو جس کا آرڈر دیا ہوا ہے کہ اس کو اوپن کیا جائے, 5-member bench جو ہے اس کو کنکلوڈ کرنے والا ہے, اور موسٹ پرابلی اور یہ تمام قاتل جیلوں میں ہوں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا انہوں مافیا جو ہے جنہوں نے قبضہ مافیا بنایا ہوا ہے, ان کے اوپر انکوائری نیب نے شروع کر دیا ہے, اور اب کسی وقت خبریں شروع ہو جائیں گی ان ڈے اور سو. میں یہ بات سن رہے ہیں, چلیں اب جاوید اقبال صاحب آئے ہیں, جسٹس جاوید اقبال صاحب, تو ہم امید یقیناً کر سکتے ہیں
कि शायद कुछ चीज़ें सामने आ जाएं, मगर बहुत से लोग जो हैं वो कर हुकूमत रहे हैं और चला जो है जाती निजी कारोबार चला रहे हैं, वो सामने आने चाहिए, क्योंकि सोशल सेक्टर पे जो हालात आज हम खबरें आपके सामने करेंगे वो आप देख ही सकते हैं। अच्छा चौधरी साहब, और अलावा जी क्या है ये यानी अब हमने बात मुकम्मल कर ली कम अज़ कम जो एक लंदन की जो बैठक थी। नहीं नहीं और सुन ले, एक तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है वो उसको ज़रा लॉलीपॉप भी देना था ना, बेइज्जत कर लिया सबको कि शबाज शरीफ अगर मैं पॉलिसी जान दूंगा तो अगर मैं कहीं अवेलेबल ना हूँ तो शबाज शरीफ साहब भाई कौन सी पॉलिसी तो आपने दे दी है। जाते वो बैठे नहीं, उन्होंने बात नहीं की, बेटी ने यहाँ से चुगलखोरी फरमाई है और आपने कह दिया कि पिछले पैर ही वापस चले जाओ। यार ये इस तरह ये तो यानी तोहीन उम्मीद रवैया मेरा ख्याल है किसका, नवाज शरीफ का और क्या। चले वो भाई आपको पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया, पूरी सुप्रीम कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई किया, बस करे यार। अच्छा ये बताएं ये उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे शबाज शरीफ हमदा शबाज बाकी साहब को झंडी करा दी है, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ होता है या मैं या मरियम अवेलेबल नहीं होते क़यादत के लिए तो उस सूरत में ख्वाजा आसम मेरी नुमाइंदगी करेंगे पार्टी में भी और हुकूमत में। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिपार्चर है। मतलब एक बात है कि खैर से बिजली का बेड़ा गर्क हुआ और उन्होंने इतराफ़ भी किया कि जनाब ये तो हाईवे राबरी है, मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ और कहूँगा उनको कोर्ट कर रहा हूँ जो हैरल्ड में छपे थे, तो फिर उनको ये बनाएंगे यार ये क्या है। और अभी ये कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब के यार के कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, यानी कोई दुनिया में प्रेसिडेंट है कि आपका प्राइम मिनिस्टर डबल जाबर हो, कोई आपका दुनिया में प्रेसिडेंट है कि आपका वजीर खारजा की 2 नौकरियाँ हों और दूसरी नौकरी का कोई पता ना हो कि यहां बैठ के वो किस चीज के पैसे ले रहा है एक तीसरे मुल्क से जबकि इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे बैठा हुआ है। क्या और साबित करना है आपको निकालने के लिए किसी को, यानी आप मुझे बताएं क्या है आपका मफरूर, कैसे आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, आपका मुल्क क्या मजाक रह जाएगा इसका और जो और क्या मजाक बन सकता है और क्या देखने को बाकी है, एक मफरूर को आपने खजाने का मालिक बनाया हुआ। अब वो देखें यार, अब देख उसको क्या साबित करें, उनके जो उनको पता ही नहीं है किधर और हाँ और उनके जो दुबई में असासे हैं यहाँ भी असासे हैं, किसी को रिकनसाइल नहीं कर पा रहे और कहते हैं प्रेसिडेंट कोई नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं था इससे पहले 2 नंबर वारदातियों का। और मुझे ये बताएं कल हमने चलाई, मैं एक बात सोच रहा था चौधरी साहब, यार आपको क्या तकलीफ है, इसहाक डार को बेचारे के दिल का आर्जा है क्या? उसके लिए वो लंदन ले यार जाए ना, दिल का आ जाए तो दिल का क्या इस्तीफा क्यों नहीं देते, क्या रोमांटिक आदमी है, दिल से क्या मुराद आपकी, रोमांटिक है वो बहुत ज्यादा, नहीं नहीं की है दिल का दौरा पे है कोई, ऐसी अल्लाह ताला सेहत दे उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं, दिल के दौरे तो हम जैसे गरीबों को पड़ते हैं, ठीक नहीं। अच्छा चले, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि कौन सा प्रेसिडेंट और चाहिए, 1992 का आपका कानून यार, खाकान अब्बासी साहब इतने बड़े सरमायादार भी हैं। ब्रेक के बाद वो कराची का भी डिस्कस कर लीजिए, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक सईद काजी साहब, आपका मौका यह है कि ये इनको कुछ नहीं होना नवाज शरीफ एंड कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इनकी गवर्नमेंट शायद खाकान हो बाकी हो, ये मैं ये कह रहा हूँ कि अनटचेबल्स के दरमियान लड़ाई हो रही है और 50 और 60 MNA अच्छा, किसी वक्त पार्टी के अंदर अपना झंडा बुलंद करने वाले हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ। इससे पहले कि हम कराची की स्टोरी करें और वोरा साहब का जो इशू बना हुआ है, मैं बात मुकम्मल कर लूँ चौधरी साहब, अभी जो खाकान अब्बासी साहब एक बड़े एक मैं समझता हूँ मईशत दान भी है, सुना है कि मईशत का कलमदान शायद खुद ही संभाल लें, ये भी हो सकता है, मगर हम ये कौन मानेगा इनकी बात कि अदालत में जो है जी कुछ भी नहीं था और अदालत ने खाम खा फैसला कर दिया, यानी हु इज़ गोइंग टू बाय दिस, मुझे ये बताएं, वो आपकी डबल रो दो नौकरियाँ निकल आई यार, आपके पैसे निकल आए जो आप रिकनसाइल नहीं कर सकते, आपके ये जो फ्लैट निकल आए उनकी रजिस्ट्रियाँ आपके पास कोई नहीं है, आपके बाहर पैसे निकला है पनामा में कोई पता नहीं सोर्स क्या है, तो फिर आप कह रहे हैं हमें निकाल, मुझे क्यों निकाला, सॉरी माफी चाहता हूं, क्या समझते हैं आप हमें, ये मतलब तो कराची में क्या हो रहा है। अच्छा कराची में भी यही जूतियों में दाल बट रही है, आप मुझे बताएं ना कराची के आप हाल, कल आपने हैदराबाद की स्टोरी की, स्टूडेंट्स का हाल आपने देखा, कचरे के जो इश्यूज हैं वो आप देख रहे हैं और जो सोशल इश्यूज हैं वो आप देख रहे हैं, ऊपर कब्जे पे लड़ रहे हैं PSP ऑपोजिशन, सिटी काउंसिल का इलाज क्या हुआ, अब वो वोरा साहब जो हैं वो उधर चले गए हैं, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया, अरशद वोरा भी कोई मोरा ही है या क्या यार, और क्या है, मुझे ये वही सारे लोग है ना जो आज बैठ के कहते हैं कि इनका लीडर एक जराइम पेशा था, ये इनकी राय है,
ये जिनके जिनका ये काम करते रहे अल्ताफ हुसैन साहब का, और जिन्हें ये लीडर और पता नहीं बानी और ना, ना जाने क्या क्या कहते रहे हैं, आज इनकी इनके बारे में राय है कि ये जराइम पेशा थे, आदों की तो ये राय है जो छोड़ के पीएसपी चले गए, जो अभी तक उनके हामी है जिनके बारे में ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि 22 अगस्त के बाद भी पैसे यहां से जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो है सबूत सामने आ रहे हैं, आज वो सरफराज मर्चेंट साहब का भी बयान सामने आया है, मगर हर जगह जूतियों में दाल बट रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है लास्ट तो अवाम से रिश्ता के नारे लग रहे हैं। सुन चौधरी साहब, सियासत का अवाम से रिश्ता काट के हमने जराइम पेशा लोगों से जोड़ दिया है, जो भत्ते वालों से जोड़ दिया है, ब्लैक मनी वालों से जोड़ दिया है। आप ये नजरिया थे जो डाकू और चोर है उनके ऊपर आपका कोई नहीं है। मैं अकेले चोर की गल नहीं कर रहा चौधरी साहब, हाँ। मैं तो यही बात कर रहा हूं कि बुनियादी तौर पे ये सारा एक जो सियासत जो है एक फलाए आमा का खेल था। आप सिलेक्टिव क्यों हैं? किसके बारे में सिलेक्टिव हूं? चोरों के बारे में। किसके बारे में सिलेक्टिव हूं? मैं तो जियाउल हक से लेके अब तक सबको एक लाइन में खड़ा करता हूं चौधरी साहब। जियाउल हक ने कौन सी चोरी की? केड़ा नहीं सी कीता है, सारे उदे खला रहे ने, ये उसके बनाए हुए सारे, ये तालिबान, ये 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 जहाद, ये हेरोइन, ये कोकी खेल, ये क्राशन कोफ, उसी नॉलेज पड़े ये पड़े आज रूस की फौज को अफगानिस्तान लाने से भेजे रूस इसने क्या किया? नहीं पहले उसका उसको छोड़े गोली मारे, वो हमारे क्या लगते हैं? रूस को कौन लेके आया? कौन लेके आया यार? जेड़ा भी लेके आया नहीं, क्यों किया उस वक्त? अमेरिका रूस के साथ लेके आया, ये तालिबान को कौन लेके आया, ये जादियों को कौन लेके आया जिन्होंने आपके समाज में 70,000 बंदा मार दिया और 5,000 फौजी शहीद कर दिए? मैं नहीं आप छोड़े यार, अब तो आपके ऑफिशियली आप कहते हैं, ऑफिशियली कहते हैं लोग जो मर्जी कहते हैं, मैं नहीं है। ये सब जराइम पेशा जो हमारे सरों पर मुसल्लत की वजह से ना माने माने, आपके मेरे ना मानने से क्या होता है जॉय साहब? हकीकत तारीख वही खड़ी है और लिखी जा रही है। क्या लिखा जा रहा है? यही लिखा जा रहा है कि सारे आज जिस अजाब में है हूं, मुस्लिम लीग नून MQM और तालिबान से जान छुड़ा के दिखाएं वो जो छोड़ के गए हैं मसूफ। चल आगे बढ़ते हैं, MQM की हम बात कर रहे थे। अब जियाउल हक ने आपको क्या बिगाड़ा? वैसे हर वक्त मेरा नहीं, मेरा नहीं 200 मिलियन लोगों का बिगाड़ा, मेरा क्या जाति कोई लड़ाई नहीं है मेरी जाति, मैं बता तो रहा हूं यहां हेरोइन कल्चर कहां से आया? मैं कहता हूं उससे बड़ा मोहब्बे वतन पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, उससे बड़ा की कसम बड़ा मुजरम ही कोई नहीं था, उससे बड़ा मुजरम ही कोई नहीं। आपके ख्याल में मैं नहीं मुजरम है ना, मैं आपको नहीं मानता, आप मुझे ना माने, बात खत्म हो गई। आगे बात बढ़ाते हैं, अब जो कराची है हमजा, अब सलमान शहबाज साहब की बात, अब सलमान शहबाज साहब काला हीरो बना लॉन्च करके, मैं हीरो बना रहे हैं हाँ। तुहाड़े हीरो ने जियाउल हक साहब छड़ के गए ने, तीजी नस्ल जी चल रही है, बड़ी नस्ल वो लाया से, बाकी नस्ल वही चल रही है, और भी जियाउल लक्की तक चल रही है, ये जियाउल लक्की चल रही है, और वो भी गलत है यार, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब सलमान शहबाज साहब का जो इशू है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि उनको लॉन्च करने के लिए बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उन्हें लाया गया, फिर हमारे लीडर आएंगे घर के बना के लाएंगे साफ सुथरे लीडर जिनके बाद ये हमारी डेस्टिनी है। कल मैं सोच रहा था वो जो एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पहले वो सुन लो ना लतीफा, वो उनके कितने भाई हैं उनके 6, तो उनके 7 तो उन्हें क्या कर लेते हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कोई पता नहीं, अल्लाह तो डरो भावे बाणी जाने। नहीं नवाज शरीफ जो है ऑल पावरफुल, जो किस शेर की आमंदा के रन कांप रहा है कि यानी वो ठुड्डे खा के ये इनको गए लूट मार की वजह से, ये शहबाज शरीफ के सलमान हो हमजा हो मरियम, ये इन्होंने क्या कर एक बात बताएं कल की स्टोरी थी और कल की स्टोरी ये थी कि 56 कंपनियों में 150 अरब रुपए का घपला हुआ है हाँ। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया आपने, उसके इनाम में हम उनके फर्जंद अर्जमान को दोबारा लॉन्च करेंगे, और यार हमारी तकदीर यही है, मुझे ये बताएं ऑन दिस यही लोग हैं जो हैं, टेल मी इट्स वेरी ट्रेजिक, इट्स वेरी ट्रेजिक। मैं और ये इतनी बांझ हो गई है सियासत, मैं कहता हूं इनका चैप्टर क्लोज हो गया, आप पीछे खेंक के लेके जा रहे हैं बार बार उधर जा, जब जाएंगे तो आपका ये जो मरियम का नैरेटिव है ना कि सारी सियासत नवाज शरीफ के इर्द गिर्द, वो भाई एक बिल्ली का बच्चा तो निकला नहीं आपके लिए, कौन सी सियासत? हाँ कल भी मैंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ ने इनको झाड़े पिलाई, वजीर आजम सो काल नाम ने आज और वजीर अलग कि जी मैं जाता हूँ अपनी पेशी पर तो 100 बंदा नहीं आता, आपका मुझे क्या फ़ायदा है? मैंने कहा फलां बंदे को निकालो, आपने नहीं निकाला, अब मैंने कहा फलां की उम्र कम करो रिटायरमेंट की, तुमने ये नहीं किया, और मेरा कौन सा काम कर रहे हो? मैं आ रहा हूं, मैं खुद आप निपट लूंगा, चले आए हैं वो आए, मैं तो कहता हूं आए निपट गए लड़ाई को, और अब आएंगे तो फिर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये देख नहीं आए, मैं तो कहता हूं लड़ाई तो करें अभी 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 जो है, और कराची में क्या बात कले नहीं देखे इन्होंने, कले में कराची की बात क्यों नहीं, कराची की बात तो होगी, अब बात को आगे बढ़ाते, कराची में तो मैं जिस तरह कह चुका हूं कि बिल्कुल जबूं हाल सियासत है, जूतियों में दाल बट रही है, कब्जे की लड़ाई है, एक दूर की खींचा तानी चल रही है, और अब थोड़ा वक्त कम है चौधरी साहब, एक BBC पे और एक और फजाई किल्लत के
حوالے سے جو انتہائی شرمناک جو ہے فیکٹ چیک کے سامنے پونے چار کروڑ لوگ فوڈ انسیکیور پاکستان میں پاکستان کیا ہوا ہے کہ پونے چار کروڑ لوگ جو ہیں اور اس میں اس کی وجہ سے اور جو تقریباً 50% مائیں ہیں وہ انیمک ہیں خون کی کمی کا شکار ہیں جس کی وجہ سے آج پھر یہ دوبارہ رپورٹ آئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے یہ ہمیں کوئی کچھ دے رہے ہیں کوئی امداد جو سارے امدادی پارٹیاں کھا جائیں گی آپ کو پتہ نہیں نیچے تو کچھ نہیں نہ پہنچتا لیکن یہ ہے کہ 3.75 کروڑ لوگ جو ہیں بی بی سی کے مطابق پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق ان کی غذائی قلت ہے اور یہ اس کی کس کی وجہ سے ہے یہ آپ کے یہ ڈیڑھ سو ارب روپیہ خاندانوں میں بانٹ دیتے ہیں نا آپ کمپنیاں بنا کے یہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے نتیجہ جس کا ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے نہیں بی بی سی کا نام آ گیا تو اس کی وجہ سے میں چپ ہو جاؤں ہاں بولیں کیا بولیں کیوں چپ سن لے پاکستان میں کب سے زیادہ کیا کھایا جاتا ہے آٹا گندم ویٹ کنک ٹھیک ہے وہ 40 روپے کلو ہے ایک منٹ اور منیمم آمدنی 5000 ہے آپ نے بات کر لی کہ نہیں کر لی میں نے کچھ کہا نہیں بولے آپ ہاں محترم اس وقت 50 سے 80 لاکھ ٹن گندم وافر پڑی ہوئی ہے اور گندم وہاں خریدے گا کون نہیں یار خریدے کہ آپ نے کہا یہ مجھے اتنی سمجھ لگی میں آپ کو سمجھاتا ہوں نمبر دو میں آپ کو چاول جو ہے وہ گوداموں میں بھرا ہوا ہے اور فصل باہر ہے نمبر تین ان کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں گوداموں میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے قبضے ہیں یہ قبضے کیوں ہوئے ہیں انہوں نے دولت پر ان کا قبضہ ہے گوداموں پر ان کا قبضہ ہے بات سن لے نمبر اور منیمم ویج کتنی رکھی الحمدللہ شرمناک حد تک پاکستان میں جتنی یعنی الحمدللہ آپ میں بالکل ٹھیک ہیں فوڈ گرین جو ہے بہت اس وقت الحمدللہ فصلیں کوئی نہیں یہی ہوتا ہے گرین بھرے رہتے ہیں اور جو سب چیزیں یار آپ اور دوائیاں میں آپ کو بتاتا ہوں اتنی دوائیاں ہیں پاکستان میں اس کے باوجود جو ہیں وہ 40% بریک کے بعد دوائیاں بھی ہیں سب کچھ شارٹ بریک ویلکم بیک جی قاضی صاحب سب دو خبریں آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ایک تو یہ کہ ہم نے یہ جو غذائی قلت کی بات کی تھی آپ کے ساتھ ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ کہ یہ ہمیشہ بڑی تیاری میں رہتے ہیں کہ جی صحت کے جو اور دوسرے امریکہ جتنی چیریٹی پاکستان میں دی جاتی کہیں نہیں یہاں منظم نہیں ہو رہا چیریٹی دی جاتی اور یہ حکومت کا کام ہے لوگوں کو لوگوں آف رائٹ دینا چاہیے ان کو روزگار دیا جائے میں یہ قبول کریں گے یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہمارے پیسے چوری کرنے والے کہ یہ خیرات انہیں ہم دیں یہ تو نہیں قبول کریں گے خبر کے ایک وہاں پہ واقعہ ہوتا ہے اور واقعہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک گھر کا فرد جو ہے 13-14 لوگوں کو زہر دے دیتے ہیں خاتون جو ہے ان کی شادی مظفر گڑھ میں اچھا اب یہ تو ہوگی نا وہاں پہلے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے وہاں پہ آگ لگی تھی اور پہلے جبری شادی کر دی نہیں نہیں میں نے اب جبری شادی کر دی میں کہہ رہا ہوں پہلے وہاں مظفر گڑھ میں آگ بھی لگی تھی آپ کو یاد ہے نا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 150-150 کلومیٹر تک ارد گرد اسپتال کوئی نہیں تھا آج پھر یہی ہوا کہ یہ 13-14-15 لوگ جو پہلے تو 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب یہ پہنچے تو پتہ چلا وہاں پہ فیسلٹی کوئی نہیں ہے جو بھی قریب ترین فیسلٹی تھی اب دیکھیں اچھا یہ اب دیکھیں اور یہ کس فیسلٹیز تو آپ کی لنڈن پھیر رہی ہیں فیسلٹیز تو لنڈن میں پھیر رہی ہے لنڈن وہ اسحاق ڈار لنڈن علاج کے لیے گھس گیا علاج کرا رہا ہے اور وہ ٹھیک میں حق بجا رہا ہوں اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اور جو یہاں اسپتال موت گاہیں بنا دی ہیں یہاں اسپتال موت بانٹتے ہیں زندگی نہیں بانٹتے اسکول جہالت بانٹتے ہیں جو تعلیم نہیں بانٹتے یہاں پہ کیونکہ جب آپ کا 1% بندہ افورڈ کر سکتا ہے تعلیم اور 99% جو ہے فیس نہیں دے سکتے تو بائی ڈیفالٹ یہ ادارے جہالت بانٹ رہے ہیں علم نہیں بانٹ رہے اور جو ان کا حشر ہے حالت ہے وہ ہم بعد میں کریں گے خیر اس کی طرف آتے ہیں اب یہ ہے کہ جب اور ساتھ یہ دیکھیں کہ کیسے آپ پیسے ضائع کرتے ہیں آپ نے بتایا جناب یہ چھوٹی موٹی گلیاں ہیں یہاں پہ ایک موٹر سائیکل جو ایمبولینس ہم بنائیں گے وہ لے جائیں گے وہ آتے ہی خراب ہوگی اس سے پہلے خبریں آئی تھیں کہ اس میں بہت سارا ناقص ہے خبر آ گئی ناقص ہے اس کا اس میں لگا ہوا میٹیریل وہ آپس میں لنک ہی نہیں کر سکتے پتہ نہیں کتنے پیسے ٹھیکہ لو بندہ یہ دیکھیں نا کرتے یہ کیا ہے اب یہ جتنا اس پنجاب میں ڈیولپمنٹ کے نام پہ کھلواڑ آپ نے کیا ہے جس کو آج نیب نے ٹیک اپ کر لیا اور مجھے خیال ہے اس کو بھی ٹیک اپ کرے گی نیب آہستہ آہستہ کوئی کام سیدھا نہیں کرنا یار اور پھر کہنا ایک روپے کی کرپشن دکھا دیں ہمیں کہاں سے ہم دکھائیں ایک روپے تو اب چلتا ہی نہیں رکھا اب پہلے ڈالفن بنائی اس میں کیا کرائم پہ فرق پڑا ہمیں بتائیں سارے نمائشی منصوبے بس نظر آنے چاہیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے پتا چلا کہ چائنا والوں نے یہ بھی تجویز دی تھی کہ یار ہم آپ کو کراچی سے اسلام آباد تک کوئی بلٹ ٹرین بنا دیتے ہیں انڈر گراؤنڈ بناتے ہیں کہتے نہیں اوپر والی چاہیے ہمیں مجھے ایک صاحب نے جو کہ میں نام ان کا پوچھ کے اجازت نظر آنی چاہیے وہ نظر آنی چاہیے بھائی آ رہی 27 میل لائن جا رہی ہے 27 میل لائن جا رہی ہے کام کوئی نہیں ہو رہا اس موٹر وے کے بارے میں اکانومسٹ کیا لکھتا ہے ڈیزرٹڈ موٹر وے اب آپ کو کتنی انڈسٹری لگی اس کے دونوں کو میں محاورتن کہہ رہا ہوں اب یہ لٹکے نظر آئیں گے
हाँ ये फलाना 25 बिलियन पाकिस्तानी लूटा, 25 बिलियन यूएस डॉलर हैं, ये फलाना 12 बिलियन डॉलर, ये फलाना 5 बिलियन डॉलर, ये इतने, ये एक गैलरी बनानी होगी, चोर डाकू जिन्होंने 70 साल में पाकिस्तान बड़ा का खुद बड़ा, ये किया। बड़ा दिलकश मंजर आप पेंट कर रहे हैं, मैं देखने मैं के लिए मेरी उम्र ये आ गई है, मैं आज तक देख नहीं सका, मुझे ये पता लग गया छोटा मोटा चोर लो बड़ा चोर जेड़ा उसको बड़ा इजाज़ मिलता है। मैं कहता हूँ कितनी दफा मैं आपसे ये कह चुका हूँ कि 28 जुलाई को जो नवाज शरीफ का फैसला आया था मेरे अलावा कोई कह रहा था? चलो यही मुझे बता दे, तो मैं अगर ये कह रहा हूँ ना आपको कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और चोर डाकू जाएंगे और लोगों की हुकूमत होगी, लोगों के लिए होगी, जमहूरियत भी होगी, आएंगे और कानून आप हाँ। देखेंगे और मैं भी देखूंगा कि कदों साड़ियां रकमा तरदियां ने, विल सी कब होता है। नो नो नो, लेट्स लेट्स की बात होनी एक लकीर। मैं ये कह रहा हूं कि जो काम करने के थे, मसलन मैंने जब आपको एक फिगर दी थी और ये मेरी नहीं है, एक मारूफ इकोनॉमिस्ट की है, कि इस रकम से 162 अरब से, ये इससे ज्यादा खर्च हुए हैं वैसे इस सारी जो खेल है ट्रेन वाला, इससे हम 41 टर्शरी केयर, टर्शरी केयर क्या है, आखिरी सतह के अस्पताल, जिस तरह के शौकत खानम खैराती बनाया ना हमने, इस तरह के हम 41 अस्पताल पंजाब में बना सकते थे, मगर नहीं, इसमें पता नहीं ये क्या इनको नजर आता है। और चुनाचे एक तरफ ये देखें जो लोग अस्पतालों में पहुंचे बगैर मर रहे हैं, रस्ते में मर जाते हैं, और जहां पे लाहौर शहर में इतना प्रेशर और इतना रश है कि सड़कों पर जो है वो और इस वक्त तक मैंने इनकी अपनी रिपोर्ट देखी कि पंजाब में 2 लाख के करीब अताई डॉक्टर जो है वो मौजूद है, इसकी क्या वजह? और टोटल मैं ये रोज करेंगे क्योंकि रोज बच्चे मरते हैं हमारे, चौधरी साहब आज फिर ये क्या हो रहा है, इसलिए हम रोज करेंगे। आपके 2999 टोटल आपकी फैसिलिटीज हैं छोटी से लेकर ऊपर तक जो हेल्थ केयर सेंटर है इस पंजाब में, शर्मनाक ये नंबर है। 20,000 गाड़ियां चोरी हो जाए और सिर्फ 10 कवर, अच्छा एक खबर मुझे एक बात बताए, मुझे आज खबर एक मिस होगी आपसे खबर कि ये जो 56 कंपनियां बनी थी, इनमें से पता नहीं कौन सी कंपनी थी उन्होंने अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगाई थी, वो कौन सी कंपनी थी यार? अच्छा एक तो वो हंसी वाली बात है ना कि इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए जो माशाल्लाह 16 के 12 रखे थे कंसल्टेंट, उसमें होम्योपैथी डॉक्टर था, कोई बीए था, किसी के पास डिप्लोमा था, नहीं तो मोटरसाइकिल क्यों ज्यादा पंजाब वाले लेके आ रहे हैं? इंपोर्ट होती है ना, इंपोर्ट होती है और फिर यकीनन कोई किकबैक नहीं मिलता, ऐसा कोई सबूत नहीं हमारे पास, मगर हमारा दिल बड़ा करता है, पता नहीं क्यों हम हर चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं। एक दफा हमने गंदम बाहर भेज के अंदर इंपोर्ट की थी है? मुझे तो खैर मैंने तो आंखों पर पट्टी बांधी हुई, आप बता दे क्या कोई अच्छा काम किया होगा नवाज शरीफ ने और उसके लोगों ने? बाकी चले चलते हैं अभी प्रोग्राम करके सड़क पर टूट पड़ते हैं आम आदमी की, जो आम आदमी की आम आदमी तो जोड़ियां फैला के बद दुआएं देता है कि हमारी रब्बा साड़ी हो दुआएं ना साढ़े मगरों आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी सर। चौधरी साहब थोड़ा सा तरक्की के सफर को जो शानदार तरक्की फरमाई है इन्होंने और ये वजारत छोड़ने पर तैयार नहीं है, आज मैं आपको एक स्टेटमेंट, इससे पहले लाहौर भी एप्टमा के ऑफिस बेरर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, मगर आप फैसलाबाद से आइए, जो मुबैना तौर पर आपका मानचेस्टर हुआ करता था, उसके जो रिजवान अशरफ साहब हैं जो कि सबक चेयरमैन है चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है, उनका यह कहना है कि वहाँ पर तकरीबन जो छोटी इंडस्ट्री थी 40 से 50% या तो बंद हो गई है या पार्शली चल रही है, 40 से 50% बंद हो चुकी है में जो है 600 मतलब 400 बहरहाल मैं परसेंटेज फिगर्स उनके दे रहा हूं अब, और वो कहते हैं कि 350 जो बड़े स्पिनिंग यूनिट्स थे उनमें से 150 तकरीबन बंद हो चुके हैं, ये तरक्की का सफर हमारा चल रहा है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो एलएनजी की और जो महंगाई है, और उसमें एक और बात खौफनाक उन्होंने पॉइंट आउट की है, आज इस खबर में मैं ये देख रहा था कि सीपैक के हवाले से पहले तो लोग बड़ा डंडोरा पीटते थे कि बड़ा तरक्की का ये होगा और पता नहीं 150 अरब रुपया जो है 150 अरब डॉलर जो है हमें पता नहीं साल का सारा फ्रॉड तो 2.25 अरब डॉलर से भी ज्यादा नहीं है जो हमें टोल टैक्स मिलेगा जो ट्रक आएंगे जाएंगे, इसकी बकायदा एक स्टडी आई है, बहरहाल गवर्नमेंट इस पर क्लैरिटी करना चाहे तो हम उसको भी लेने को तैयार है, मगर सवाल ये है लोग कह रहे हैं कि जितना ये चाइनीज सरमायेदार को दे रहे हैं टैक्सों में छूट और जिस किस्म के ये कर रहे हैं कि हमारे सरमायेदार का क्या बनेगा, एक तो ये इनका ये तरक्की का भट्ठा बैठ गया, और फिर इसके साथ एक और भी है, एक फिगर दी थी मेरे ख्याल में यहाँ गौर एजाज साहब ने, मुझे याद नहीं है कितने लाख वर्कर जो हैं जिसकी वजह से उनके चूल्हे बंद हुए, और फिर और एक और मैंने सुना एक बंदे का तो मुझे ये भी कहानी सुनाएगी कि उसने सारी फैक्ट्रियां बेच के उसके बाद उसने कर्जा अदा किया खुदकुशी कर ली, पता नहीं एक एक मुझे ये बात एक मिल ओनर बताई थी। अच्छा ये एक तरफ तो हमारी सिचुएशन है, दूसरी तरफ ये है कि हमारे सोशल सेक्टर, इसके साथ ही मैं खबर जोड़ता हूँ, 8,000 के करीब वर्कर्स ने आज जो है प्रोटेस्ट किया है जो हेल्थ के मसले पर, कि ये जो चार जो लोगों का आसरा रह गया है जहां पे जाके बुरी भली दवाई ले लेते हैं या डॉक्टर देख लेते हैं बाहर मर मर के दवाइयां बाहर से खरीदते हैं
अस्पतालों से मिलती नहीं है, इनको भी वो प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। ये इवन जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, इनका पुराना एक है कि जनाब ये सारे का सारा आउटसोर्स, पता नहीं इसमें क्या वारदात और क्या है जो है। और अब तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो माशाल्लाह फेडरल सतह पर तो जो चेयरमैन वजीर हैं वो दानियाल अजीज साहब भी आ गए। तो अब ये हालत है कि अब पहले अस्पतालों का कोई हाल नहीं है, और ये जो है ये 2-4% जो इस पर खर्च कर, उसकी क्या वजह है? मैंने आपको बताया था ना कि अगर पंजाब का हेल्थ और उसका बजट बना लें, हेल्थ और सेहत को जमा कर लें आपस में, तो एक ट्रेन जो है उससे भी कम पड़ता है हमें। वो तकरीबन मेरे ख्याल है 90 बिलियन था या कितना, आई विल गिव अ करेक्ट, तो मैं एग्जैक्ट बाद में दे दूंगा, मगर यही रेशो बनती है। तो ये आदमी के यानी सबसे बड़ी, आप क्या कहना, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एक समाज में आप तालीम और सेहत के जरिए करते हैं। अगर आप तालीम और सेहत ठीक कर दें तो कम अज कम मैशदान आलमी ये कहते हैं कि 9% आपका ग्रोथ रेट बढ़ा। भुखा मर जाए वो नजदीक कोई मसला नहीं। तो मर रहे हैं ना, भुखा, रोजगार ना मिले, रोजगार तो कह देता प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने साल पहली तकरीर में क्या कहा था कि भाई हम रोजगार नहीं दे सकते आपके पास, अभी चलवा दूं, आप अभी चलवा दूं, ये अगली रियलिटी है, ये बदनामा दाग है पाकिस्तान के, हमने बेरोजगारी पर हमला करना है, हमने गुर्बत खत्म करनी है। अभी तो आपका बेरोजगारों पर हमला है, लेकिन मुल्क के अवाम पर हमला है, आपने ऐलान जंग कर रखे हैं मुल्क के अवाम के खिलाफ। इसके साथ यहाँ पाकिस्तान में अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जो कुदरती हमारे पास पहाड़ हैं, दरिया हैं, झीलें हैं, बर्फ है, समंदर है, सारा कुछ है, ये देखें कि गैर मुल्की जो है गोरे फॉरनर्स, यूरोपियंस और अमेरिकन, वो यहाँ क्या देख के जा रहे हैं और क्या तबसरा कर रहे हैं। और यहाँ जो रैली हुई है कंजराब पास से लेके ग्वादर तक, और इतनी पजीराई हुई है और उसमें बैन अवी सतह की उसको पजीराई हुई है। तो ये मैं दो चीज़ें चाहता हूँ, हर वक्त चंगा खाना और मंदा बोलना नहीं, दिखाएं भाई। Pakistan at its finest. How many people have had the opportunity to see this? The unspoiled beauty of this gorgeous country. The people of Pakistan are great. The scenery is fantastic. I don't think I've been anywhere else like this in the world. Thanks, Pakistan. This is one of the best places in the world to make any skiing. Pakistan! Now, if you're thinking about this is not a safe place, this is as safe as currently capital in Germany. Got to come, they've got to explore it. They've got to see Pakistan for what it is. It's a country that is at the forefront of transformation, and it, from a business perspective, it's on the up and up. पाकिस्तान जिंदाबाद। ना जी, मुझे तो ये डर ही लग गया चौधरी साहब, आप इतने खूबसूरत इलाके दिखा रहे हैं, यहाँ कोई वजीर मशीर जाके हाउसिंग सोसाइटी का ऐलान ना कर दे, अल्लाह ताला इन इलाकों को भी महफूज रखे और किसी तरह इस मुल्क के अवाम भी कोई ऐसा सूरत निकल आए कि वो भी महफूज हो जाएं। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।